अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, यौम आज़ादी का महीना है, उसके साथ साथ मैं सबसे पहले तो हमारे अज़हर भाई, अरशद भाई, अमजद भाई तीनों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अज़हर द बैंड, यौम आज़ादी 14 अगस्त और महीना अगस्त। नाज़रीन मोहतरम, जब ये नगमा लिखा था जनाब जमीलुद्दीन आली साहब ने, जीवे पाकिस्तान। अच्छा, आली साहब भी बड़े अपने मिजाज के बड़े मुख्तलिफ आदमी थे, और जब वो तहरीर लिखते थे या नगमात उन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीर की हैं, उनके दोहे, उनके अशार, उनके कॉलम्स, क्योंकि मैं अली साहब से छोटा सा था और मिला था मैं उनसे, और कई मरतबा मिला, बहुत प्यार करते थे मुझसे, और उनके साहबजादे वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते। तो जब उन्होंने ये लिखा जीवे पाकिस्तान, तो उसमें जब उन्होंने ये शेर लिखा कि मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। मन पंछी क्या होता है? आपका जो मन है ना, वो पंछी होता है, ये जो आपके अंदर की ख्वाहिश होती है, जो उड़ना चाहती है। और उन्होंने बताया कि आपके मन का जब पंछी पंख खिलाता है, पंख कहते हैं परों, तो फिर वो सुर बिखराता है, और जो सुर उसके बिखरते हैं तो समाप्त करने वाले हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उन्हें एक ही आवाज़ आती है, जीवे पाकिस्तान। उसकी वजह क्या थी कि आली साहब को पाकिस्तान से बड़ा इश्क था। जितना मैं जानता हूँ वो ये कि मेरे नाना हज़रत सरदार अली साबरी और जमीलुद्दीन आली बड़े गहरे दोस्त थे, दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, दोनों ने हिजरत की, और मेरे नाना ने कायद अजम को कायद अजम का खिताब दिया था, और जमीलुद्दीन आली साहब ने पाकिस्तान आकर कायद अजम के साथ, यानी कायद अजम एक बरस हयात रहे, लेकिन उन्होंने बहरहाल जो उनसे एक मोहब्बत और एक ताल्लुक था वो किया। आज जब हम अपने शो को अगस्त के महीने में जीवे पाकिस्तान कहकर मुखातिब करते हैं, तो हमें खुशी इस बात की होती है, एक्सप्रेस को खुशी इस बात की होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा नाम रखा जो अगस्त में तो खुश रंग और नखत बेस फूल खिला ही रहा है, लेकिन वैसे भी जब हम कहते हैं जीवे पाकिस्तान, तो हर महीने हम अपने वतन को दुआ देते हैं, हर दिन हम अपने वतन को दुआ देते हैं, जुम्मा हफ्ते इतवार, जीवे पाकिस्तान। और दुआ क्यों देते हैं हम अपने वतन को? दुआ हम अपने वतन को इसलिए नहीं देते कि हमको अपने वतन पर एहसान कर रहे हैं, दुआ हम अपने वतन को इसलिए देते हैं कि ऐ वतन तू है तो हमारी पहचान है, तूने पाकिस्तान की हैसियत से हमें पहचानवाया। वरना आमिर लियाकत हुसैन और उसके अजदाद अगर हिंदुस्तान में होते तो शायद तीसरे और चौथे दर्जे के शहरी होते। पाकिस्तान, तूने आज हमें इज्जत दी है, तूने मेरे माँ बाप को इज्जत दी है, तूने मुझे इज्जत दी है, और पाकिस्तान में तेरी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दूंगा। क्या बात, जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं वो अपनी माँ का कफन बेचते हैं, उन्हें हम ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन तुष्पे हम आज आने न देंगे, और यही कहते रहेंगे जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे। आज हमारे मेहमान नाज़रीन मोहतरम टेलीविजन इंडस्ट्री के, यानी असर हाजिर के बहुत मकबूल टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह से कह देता हूँ, अल्लाह नजर से नजरबंद से महफूज रखे। वालिद की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, नाम ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि दोनों ही नहीं बनना चाहिए था, नाम में तो इनको बहुत बड़ा फलसफी बनना चाहिए था। लगते भी, वैसे अभी तक मैं इनसे मेरी खुलकर बात नहीं हुई है, लेकिन लगते भी फलसफियाना मिजाज के। और आज से 20 बरस कबल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में
MBBS कर रहे थे, जैसे मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा था, तो इसी दौरान एक दोस्त से शर्त लगी कि अदाकार बन सकते हो, तो शर्त जीत गए और डॉक्टर की जगह एक्टर बने। अब उसके बाद यूं कहा जाए कि तिब्बी नुस्खों की जगह अब ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, मतलब पहले जाहिर है कि डॉक्टर जो होते हैं फार्माकोलॉजी जो पढ़ देते हैं थर्ड ईयर में, आप असल में फर्स्ट प्रोफ होता है, सेकंड प्रोफ होता है, थर्ड प्रोफ होता है, फोर्थ प्रोफ होता है। फर्स्ट प्रोफ कहते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल, उसमें होता है एनेटमी फिजियोलॉजी, वो उसको पढ़ा जाता है। सेकंड प्रोफ में फार्माकोलॉजी आता है, फार्माकोलॉजी के साथ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन आगे आता है, लेकिन फार्माकोलॉजी के अंदर ये होता है कि आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं, तो फिर वो आप तिब्बी नुस्खे भी देने लगते हैं। यानी थर्ड ईयर से लोग आपको कहना शुरू करते थे डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, तो आप डॉक्टर साहब हो जाते। तो इनको चाहिए तो ये था कि मरीज इनके चाहने वाले होते, लेकिन आज तो इन्होंने चाहने वालों को अपना मरीज बना लिया। क्या बात है। और आज एक तवील हलका इनकी अदाकारी को न सिर्फ सराहता है, पसंद करता है, बल्कि हर चैनल पर इनके ड्रामों का कोई ना कोई मंजर आपको ज़रूर दिखाई देगा। अब एक तो इनकी शख्सियत बड़ी दिलकश है, अदाकारी मुतासिर कुन है, और शोबिस इंडस्ट्री में इनका एक ऐसा मुनफरिद मकाम है, जुदागाना मकाम है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। कि अब मैं आपको बताता हूँ कि 19 बरस गुजार दिए इन्होंने, 19 बरस भाई, 19 बरस। तुम्हें बता नहीं रहा, तालियां बजाने के लिए कह रहा हूं। अच्छा। 19 बरस गुजर जाने के बावजूद इनकी मकबूलियत और डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी मकबूलियत परवान चढ़ रही है। बहुत वर्सेटाइल फनकार हैं, जो भी किरदार करते हैं दिल से करते हैं और उसमें डूब कर करते हैं, इंसाफ करते हैं, बिलखसूस अगर यानी नाराज़ नौजवान गुसीला शौर गुसीला या फिर गुसीला भाई कहाँ जाते हो तुम, मतलब भाई ऐसे होते हैं, होते नहीं आजकल हो गए ऐसे, पता नहीं क्यों हो गए, पहले तो भाई बोले बहन कहाँ जा रही हो, अच्छा अच्छा अगर बहन पूछ ले तू कहाँ था भी रात को, तो भाई से पूछ रही हो, तो भाई से क्यों नहीं पूछ सकते। और बात ये कि इनको ये सारे किरदार जो भी इनको मिलते ये उसमें जान डाल देते हैं, और वक्त के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस में बहुत निखार आता जा रहा है। मैं तो देखता रहता हूँ, इन्हें टेलीविज़न भी देखा, आज पहली मरतबा इनसे मुलाकात हुई है, ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी मैं, बल्कि रांझा रांझा कर दी मैं, तो चलो मैं हूँ रांझा रांझा कर दी, एक्चुअली तो ये रांझा रांझा कर दी मैं निकाल दिया राइटर ने उसमें, पता नहीं क्यों, अब मैं भी डाल देता तो क्या हो जाता, रांझा रांझा कर दी। इसमें इनकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें बेहद सराहा गया, एक ड्रामा सीरियल था चुप रहो, हाँ उसमें सज्जल अली के बहनोई का किरदार अदा किया था, और वो जो जो, जो बहनोई का किरदार था वो बड़ा बड़ा बदनीयत था वो, हाँ प्रेम रोग में एक था, प्रेम रोग बराबर वालों की फिल्म, हाँ बराबर वाले फिल्म में कभी कभी लगाते थे, तो प्रेम रोग में बहनोई रजा मुराद बने थे, नहीं बहनोई नहीं जेठ बना, जेठ जेठ रात को आ जाते थे इज्जत, ये वो ये इन्होंने बहनोई का किरदार बदनीयत है नहीं है, है नहीं है नहीं, किरदार था किरदार, तो बदनीयत इन्होंने बहनोई किरदार किया था, और इतनी खिबासत के साथ अदा किया था, माजरत के साथ, इतनी खिबासत के साथ अदा किया था कि खबीस बहनोई लग रहे थे ये, मतलब लोगों को इनसे नफरत हो गई थी। हाँ यही तो किरदार होता है यार, वो याद है हमारे एक वो एक अदाकार थे यार, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो शायर जो बने थे,
यार बड़ा प्यारा किरदार अदाकार था वो, है जिंदा है वो, शायर में ऐसा शायर बना था वो, लोगों को नफरत हो गई थी उससे, लड़कियों के साथ शायरी करता था, अभी याद आ जाएगा मुझे, है नहीं तुम तीनों को याद नहीं आएगा, तुम तीनों डफर हो, आ जाएगा याद। नहीं, नहीं, याद तो हाँ अच्छा, इस किरदार ने जो बहनोई वाला था, इसने इनको एक वर्सिटाइल अदाकार साबित कर दिया। अच्छा वर्सिटाइल किसको कहते हैं, क्योंकि मैं लफ्ज़ बहुत बोलता हूँ, हर आदमी के लिए बोलता हूँ, वर्सिटाइल वो होता है, वर्सिटैलिटी जिसको कहते हैं, कि आप हर किरदार में ढल जाए, हर किरदार में ढल जाए, यानी आपको देखकर ये लगे ये आपके लिए बना है। जैसे कि मिर्जा गालिब, मतलब नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह को कोई नसीरुद्दीन शाह कह नहीं सकता, मैं तो उन्हें मिर्जा गालिब कहता हूँ, यानी वो इतना ढल गए थे उसमें। और हमारे यहाँ सुभानी भाई यूनुस साहब, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, उन्होंने मिर्जा गालिब का इतना अच्छा किरदार अदा किया था। खैर नाकदीन इस बदनीयत बहनोई को देखकर हैरान रह गए कि मतलब ये मासूम शक्लो सूरत का नौजवान ये ऐसे काम भी कर सकता है, बहुत सराहा इनको। लेकिन इस किरदार के बाद अब तक जिन ड्रामा सीरीज में ये अपने भरपूर फ़न की झलक दिखा चुके हैं, उनमें मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, क्योंकि शक हो गया है। क्या हो गया? क्योंकि शक हो गया है, मोहब्बत अपनी होगी क्योंकि शक हो गया है, और शक इसलिए हुआ है क्योंकि ये इश्क परस्त थे, और इश्क परस इसलिए कि शर्त लगी है, और शर्त इसलिए लगी है खुदा मेरा भी। अब ये कि खुदा मेरा भी इसलिए कि खुदा जमीन से गया नहीं, और इन सारी बातों का इन पर बोझ है, बोझ इसलिए कि ये नूरे जिंदगी की तलाश में, नूरे जिंदगी में इनको भूले भोली बानों मिलेगी, और भोली बानों के चक्कर में एक और जगह मिल जाएंगे, एक थी रानिया, और एक थी रानिया के बाद इनको सीता बागड़ी मिल जाएगी, सीता बागड़ी के बाद गैरत जागेगी, और गैरत के बाद कहेंगे रांझा रांझा करजी, और फिर उसके बाद इनको कोई ना कोई मेरे हमदम मिल जाएगा, और मेरे हमदम से कहेंगे तुम्हीं से ताल्लुक है, और फिर जब ताल्लुक बन जाएगा तो कहेंगे चुप रहो, चुप रहो के बाद कैद है, और कैद में जब आज़ादी मिलेगी तो उसको कहेंगे मेरे मोहसिन। ये इनके सारे ड्रामे, इन दिनों भी इनके ड्रामा सीरियल्स तड़प, पता नहीं किस चीज़ की तड़प है लेकिन तड़प है, तड़प और दिल रुबा, ये इस वक्त ऑन एयर और नाज़रीन में बेहद मकबूल है। अनकरीब सबा कमर के साथ फिल्म में जलवागर होने वाले हैं, और एक्शन में दिखाई देंगे, ड्रामे में तो ज़्यादातर इन्होंने एंग्री यंग मैन वाले किरदार रखी है, लेकिन बहुत हंसमुख और खुश अखलाक है अब तक जो मैंने महसूस किया है, आगे का पता नहीं, आपके साथ बैठेंगे जो अब ये हमारी वाली तालियों की गूंज में इस्तकबाल करते हैं, काफ़िया मिला लो, हाँ खाई होगी इन्होंने भी कुर्बानी में बकरे की रान, खाई होगी इनमें, नहीं नहीं खाई होगी, खाई होगी इन्होंने, इन्होंने कुर्बानी में, कुर्बानी में बकरे की रान, बकरे की रान, और निकाली होगी बकरे की जान, और निकाली होगी बकरे की जान, लेकिन हमें इन पर बहुत मान, हमें इन पर बहुत मान, क्योंकि ये है पहचान है पाकिस्तान, क्योंकि ये है पहचान है पाकिस्तान, हमारी जान, हमारी जान, हमारी शान, हमारी शान, सैयद जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा संभलने के लिए टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह के इंट्रोडक्शन आपने दिया है, आई मीन मैं खुद अपने आप से पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा, माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, इतना आपने इंडस्ट्री को दिया है कि आपके लिए मैं, और अभी तो आपका सफ़र शुरू है, तो बहुत आगे जाना है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप तशरीफ़ लाए, उसकी दो वजूहात हैं, पहली वजह तो ये है कि मुझे बड़ा शौक था कि आप तशरीफ़ लाएँ, दूसरी वजह बड़ी अजीब सी है लेकिन आप खुश होंगे, उसकी वजह ये कि
मुझे मर्दान जाने का बड़ा इत्तेफाक हुआ है और मुझे पख्तून फैमिलीज और पख्तूनों से बड़ी मोहब्बत है। उसकी वजह ये कि मैं जिस हलके से जीता हूँ और जहाँ पर मेरा पख्तून ने बहुत साथ दिया है और वैसे भी मैं ज़ाहिर है मेरा जो चेयरमैन है इमरान ख़ान, मेरी जो पार्टी है, और मैंने ये देखा है कि ये बड़ी गयूर, बड़ी प्यारी, और अगर ये आपके दिल में समा जाए ना तो पख्तून, तो इनसे बड़ा आपका कोई दोस्त होता ही नहीं और ये आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। तो चूंकि आप पख्तून हैं और मेरे खैबर पख्तूनख्वा की शान है, इसलिए आपसे मिलकर और भी खुश हूं। वालिद इनके प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर हैं और रिटायर्ड कर्नल हैं। 14 अक्टूबर को पैदा हुए और इसके अलावा उस जब ये पैदा हुए थे इनके वालिद की पोस्टिंग जेहलम में थी। जेहलम में एक छावनी भी है और वहाँ पर थी, और जिब्रान की जब पैदाइश हुई तो फिर मर्दान में पोस्टिंग हुई और जिब्रान मर्दान दोनों एक जैसे मिल गए। और मर्दान आबाई शहर है और फिर लाहौर पोस्टिंग हुई, फिर रावलपिंडी, क्योंकि फ़ौज में ऐसा होता है आपकी पोस्टिंग्स होती रहती हैं। अभी हमारे जो आसिफ गफूर साहब थे वो पहले ISPR के DG थे, आजकल ओकाड़ में GOC हैं। तो इनकी फैमिली को कुछ बरस एक मुस्तकिल शहर में रहने का जब भी मौका मिलता था। जिना फाउंडेशन में स्कूल लाइफ का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद पहले दिन स्कूल गए तो बुखार चढ़ गया बुखार उल्टियाँ हो गई, और फिर मर्दान में कुछ अर्सा पढ़े, रावलपिंडी में क़याम के दौरान इन्होंने रेगुलर तालीम शुरू की। और इनमें और मुझ में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, इमरान सीरीज और इश्तियाक अहमद के नावे। इमरान सीरीज तो ऐसी मेरे साथ हुई कि मैं अब इमरान खान के साथ ही हो गया अब वो इमरान सीरीज ही चल रही है मेरे साथ। लेकिन इश्तियाक अहमद के जो नावल हैं वो मैंने इतने पढ़े कि जीताल, वादी दहशत और स्लाटर और पतनी मतलब ये कि तलाश गुमशुदा और इतने सारे, आफ्ताब आसिफ फरत, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, महमूद फारूक फरजाना, इंस्पेक्टर जमशेद शोकी, ये सारी सीरीज़ मुझको याद है। इतना मैंने इश्तियाक अहमद को पढ़ा है। इश्तियाक अहमद साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन इश्तियाक अहमद साहब आप जैसा राइटर और ख़ास तौर पर आखिरी दिनों में इश्तियाक अहमद साहब ने जो ख़त्म नबूवत पर काम शुरू किया था अपने नावल्स के ज़रिए, वो कमाल काम था। ख़त्म नबूवत की मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की प्यार इश्तियाक अहमद साहब ने अपने जासूसी नावल में इतना दिया कि सब समझ गए कि ख़त्म नबूवत क्या होता है। बहुत तो ये आपने बहुत पढ़े हैं, पूरा बचपन गुजरा है। तो इसमें आपको इंस्पेक्टर जमशेद वाला अच्छा लगता था या इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा? इंस्पेक्टर जमशेद ना अच्छा। इंस्पेक्टर जमशेद का शुरू कुछ हम ये समझते थे जब पढ़ रहे होते थे, तस्वीर में आ जाते थे इंस्पेक्टर जमशेद को, है ना? Exactly, वो कैरेक्टर्स आप साथ लेके चलते थे। वो जो महमूद फारूक फरजाना थे वो एक तरह से मुझे कजन्स लगते थे, मेन फैमिली। लेकिन फरजाना जो थी उसने बड़ी फाइट करती थी, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, महमूद फारूक भी करते थे लेकिन फारूक तो अपने मजाक की वजह से और महमूद जरा संजीदा थे, बहुत अच्छा। तो उसके बाद अब आपकी शदीद ख्वाहिश है कि कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़े। जी एब्सोल्युट। तो आपने अच्छा हमारे ये भी है कि मुख्तलिफ तफासीरें, कौन सी आपने मुंतखब की तफसीर पढ़ दी? नहीं अभी तो मैं ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी वालिद साहब का कुतुब खाना है ना जी, एक्चुअली उनके पास पढ़ी भी हुई है। हाँ, लेकिन ये मेरी सुस्ती समझ लें कि मैं अब तक, बिकॉज ये काम ऐसा है कि आई वॉन्ट टू डू इट, एक बार जब आप इसमें लग कर करना पड़े। हाँ फिर करें, ये नहीं कि एक नावल की तरह। सही बिल्कुल सही। तो मैं एक बात आपको और बता दूँ कि जैसे मेरी इंस्परेशन मेरी अम्मी भी हैं और मेरे वालिद भी हैं, लेकिन इनकी इंस्परेशन इनके वालिद हैं। उनकी उम्र जो है वो 70 बरस अल्लाह ताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और 70 बरस की जायद बहारें वो देख चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, एक तारीख़ है उनके पास। अच्छा, ऐसे लोगों के पास बैठना चाहिए, बताओ आपको आपको बात बताऊँ कि ऐसे लोगों के पास बैठ कर आप सीखते तो खैर है, लेकिन आपको हिस्ट्री भी पता चलती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री। आप फौजी ऐसा एक ऐसा फ़र्द होता है, फ़र्द कहूँगा पहले तो मैं, जवान तो अपनी जगह पर है और सिपाही तो अलग है, एक ऐसा फ़र्द होता है जो पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी सरहदों पर रहकर पाकिस्तान के दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है, किस किस किस्म के दुश्मन होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप बैठकर बहुत कुछ सीख लेते हैं, पता चल जाता है, आप गुफ्तगू से फिर आप पहचान लेते किसी की
कि इसमें से कैसी बू आ रही है, क्योंकि देखो मुल्क है जो सब कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके वालिद ये खुद कहते हैं कि मेरे वालिद के चेहरे पर एक ऐसा सुकून है जिसे देखकर मुझे रश्क आता है, और ख्वाहिश है कि इनकी ज़िंदगी में भी इनके चेहरे पर ऐसे ही सुकून हो। चार बहन भाई हैं और सबसे बड़े भाई संजीदा मिजाज हैं और बहुत ज़्यादा तबीयतन दानिश्वर है। दूसरे नंबर पर जिब्रान है और फिर इनकी दो छोटी बहनें हैं। बचपन और लड़कपन में बेहद शरारती थे, लेकिन मासूम और भोली भाली सूरत की वजह से अच्छा ये वैसे भी लगता है बड़ा भोला भाला पठान है एक जगह का, जो बेचारे डिगरी बाज़ार में या नमक मंडी में जो बेचारे चाय वाय बेच रहे हो उस तरह का ये पठान जरा मासूम सा तो कोई यकीन ही नहीं करता। और शरारतों से रिश्तेदारों का इन्होंने नाक में दम कर दिया, और चची ने इनके घर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी चची ने कि तुम घर में नहीं आओगे हमारे, कुछ ना कुछ किए हो हरकत की होगी, और उछल कूद की वजह से लोटे तोड़ देता था, लोटे तोड़ दे। वाह 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 भाई वाह 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 यार, पाकिस्तान की असेंबली के लोटे भी तोड़ दो यार, बहुत बहुत। बताओ यार, लोग मुझे लोटा कहते, मैंने उनको बताया भाई मैं तो छोड़ छाड़ के घर में बैठा हुआ था, मैं कोई पार्टी बदल के नहीं आया हूँ, पार्टी छोड़ दी थी और इमरान खान ने आकर मुझे खुद ज्वाइन करवाया है, मैं कोई किसी पार्टी में नहीं था, मैं छोड़ छाड़ के बैठा था, लोटे तो आए हुए इतने सारे। वाह वाह, और ज्यादातर बेपहने के पहनता ही नहीं है, भरो तो पानी निकल जाता है अंदर से। अच्छा लोटे तोड़ने की क्या वजह थी? आई डोंट नो, ये वो बहुत बचपन था एक्चुअली। हाँ मेरे ख्याल में तोड़ने के लिए वही चीज मिलती थी, तोड़ देता था। नहीं, मगर लोटा तोड़ने का दिमाग में कुछ तो होगा ऐसे नहीं। मर्दान में जब मैं था, मैं बताऊं आपको क्या होगा, आपको दो मुंह वाले लोग पसंद नहीं है, ये सच भी है। आपको दोहरी शख्सियत वाले, डबल बात करने वाले, लोटा बेसिकली उसकी पहचान है, सिंबल है। हाँ सिंबल है, बट लोटा एक ऐसी चीज़ है ना कि इस बाथरूम से लो उस बाथरूम में भी ले जा सकते हो। भाई आप लोटा एक ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं कर सकते जिस बाथरूम का लोटा है वहीं रहे, आपको जरूरत होगी हम वहाँ से लेके अपने पास ले जाएंगे। अच्छा फिर जो ले जाएगा वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक कि दूसरा वापस लेके ना आए, बड़ा मसला है लोटे का। चले इसमें कोई बात नहीं, आप मतलब ये कि तो होता रहता है। अच्छा अच्छा इसको एक बस बात और कहते, इनकी शरारतों की वजह से आप सोच सकते थे मैं आपको हंसाऊंगा यहाँ पर बिठा के, हाँ इनकी शरारतों की वजह से वाइस प्रिंसिपल का शिकायती खत अक्सर घर पे आता था, और उसमें लिखा होता था कि ये क्या बच्चा है भाई। फिर उसके बाद वाली से कई मरतबा मार पड़ी, लेकिन माँ की मार, माँ की मार जिसको पड़ जाए, मैं कहता हूँ जिसको माँ बाप की मार पड़ जाए बस, फिर उसे दुनिया की मार कभी नहीं पड़ती, वो ऊपर ही ऊपर जाता है। अल्लाह ताला माँ बाप को सलामत रखे कि वो कम से कम मारते हैं, और उनकी उनकी पिटाई दरहकीकत आपको आगे ले जाने के लिए होती है। वफ़ा लेते हैं, वफ़े से पहले हम ज़रा आपसे कसौटी का पूछ लेते हैं, फिर दिखाए भी ज़रा खाना असर मकाम वाक़ शख्सियत। मकाम करने से मकाम की तरफ आते, और मकाम में आज आपसे एक ऐसा पूछूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन पहले एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। अच्छा जनाब, जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद, और सैयद जिब्रान हमारे साथ मौजूद हैं, सादात हैं, सैयद हैं, और उसके साथ साथ जिब्रान हैं। जिब्रान एक्चुअली एक बड़ा खूबसूरत नाम है जो कि खलील जिब्रान का नाम था, लेकिन उससे पहले भी जिब्रान नाम था। और जिब्रान अच्छा इनको पता भी नहीं होगा शायद, नहीं मैं बताता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज ये बहुत पढ़ते थे, लेकिन इंस्पेक्टर जमशेद नाम निकला है बादशाह जमशेद का था। जमशेद एक बहुत बड़ा बादशाह था, और ये समझ लें ज़ुल्क़रनैन के ज़माने से पहले था। अब और ख़ुदा परस्त था, यानी मुवहिद था,
लेकिन ज़ाहिर ज़माने में वो ये बादशाह जो थी अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। जमशेद के दाना वज़ीर का नाम जिब्रान था और वो जमशेद को मशवरा देता था सारा के कहाँ आपने फतवात करनी है, किधर आपने जाना है। तो जिब्रान यहाँ से निकला, फिर यूनान का फ़लसफ़ी खलील जिब्रान, और फिर उसके बाद जिब्रान जिस जिसका नाम जिसने भी रखा उनमें तीन क्वालिटी ज़रूर होती थी, हो जाती है उस नाम की। एक तो वो थोड़े से यानी लोगों से दूर रहने वाले होते हैं, कम मिलते हैं, ये उनके अंदर होच की बात है। क्योंकि मेरे नामों पर आप सबको पता है, बहुत से लोग जानते हैं, बड़ी रिसर्च है। तो एक तो वो लोगों से बहुत दूर रहते हैं, दूसरा एक ये जिसको कहते हैं अलग थलग रहना पसंद करते हैं, अपनी तन्हाई पसंद होती है। दूसरा ये कि गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, करना भी चाहें तो नहीं हो पाती, निकल आती है और उसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। और तीसरी और अहम तरीन बात यह है कि वो किसी ना किसी फील्ड में जहाँ भी होंगे वो अपना नाम ज़रूर बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता इनमें तीनों चीज़ें कि नहीं, अलग थलग रहते हैं, गलत बात बर्दाश्त ही होती है, फील्ड में नाम तो बना रहे हैं, बाकी दो का मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं मुझे अलग थलग वाली बात है, मैं तबीयतन भी बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं शोबिज़ में हूँ, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं 1000 लोगों के सामने एक सीन एक्ट कर सकता हूँ, लेकिन 4 लोगों के सामने आप मुझे बिठाएं कि अब इनसे बात करो तो एग्जैक्टली यही होता है, ये इसको अलग थलग होना। हाँ, आप सबके सामने तो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब आप 4-5 आप फिर आप नहीं, आप अपनी एक तन्हाई के कारण ऐसे लोगों की नींद बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है वो सोचते बहुत है, जी जी, दिमाग चलता रहता है, नींद में भी दिमाग चलता रहता है और अजीब अजीब बातें सोचता है। मतलब अजीब से मुराद कोई फनी बुलंदियों की तरफ या कुछ ऐसी, तबीयतन थोड़े रेस्टलेस रेस्टलेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले जी मकाम की तरफ आ जाते, मकाम। अच्छा, मकाम ये बड़ा अहम मकाम है और ये मकाम दुनिया में हर जगह पाया जाता है, एक जगह है, हर जगह पाई जाती है और बहुत अहम मकाम है। अब यहाँ से आप मुझसे 10 सवाल कर सकते हैं, 10 इशारे आप मुझसे पूछें तो मैं आपको उसमें हिंट देता रहूँगा। अगर आप सही जा रहे होंगे तो मैं हो सकता है आपको ग्रेस मार्क दे दूँ और कहूँ ये इशारा मैंने आपका नहीं लिया, इन 10 इशारों में आऊँ। और आपका फ़ोन अ फ्रेंड की भी गुंजाइश मौजूद है, आप किसी को फ़ोन देकर पूछ लें। मकाम ये पहला सवाल, ये मकाम कोई इबादत की जगह है या नहीं? इबादत की जगह नहीं है, लेकिन इबादत करने के लिए वहां जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी आपने सवाल, इबादत करने के लिए वहां जाना पड़ता है। ये जो जगह है ये जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, अब मैं क्या पिन पॉइंट करके पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्या लाइक मुसलमानों की जाने की? मुसलमानों के लिए भी है, लेकिन ये के हिंदुओं में भी है और ये मसीहों में नहीं है लेकिन यहूदियों में है। मसीहों में नहीं। अच्छा, हिंदू मुसलमान यहूदियों में तो बहुत खास है, हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में तो नंबर वन। और यहाँ इबादत के लिए जाया जाता है? इबादत करने से पहले यहाँ जाना पड़ता है, इबादत कहीं और करते हैं लेकिन यहाँ जाना पड़ता है। जैसे इस मिसाल के तौर पे हिंदू हैं तो वो कम्युनिटी है, वो मंदिर जा रही है तो वहाँ जाने से पहले इधर जरूर जाएगी। जी जी। इबादत के अलावा भी ये जगह पाई जाती है हर जगह पे, या इसका मकसद सिर्फ इबादत? नहीं, नहीं, इबादत के अलावा भी ये जगह है। जगह बकसरत पाई जाती है या कोई खास? नहीं, बकसरत नहीं, बकसरत ये पाई जाती है जहाँ पर मतलब ये के बकसरत ये काम हो रहा हो तो, वरना नहीं। ओके, ये जो चीज़ है ये एक
स्ट्रक्चर टाइप चीज है, कोई इलाका या कोई जगह नहीं है। इट्स जैसे मिसाल होता है कि घर नहीं, इलाका नहीं, इलाका जगह जो है, इलाका नहीं, जगह इन द सेंस के जैसे कोई बिल्डिंग या कोई घर होता है या कोई एरिया होता है। एरिया, एरिया है, एरिया मतलब एरिया से बुरा जी के, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होते हैं जो भी एरिया होते हैं, तो एरिया तो है ये, या कभी कभी ये एक 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 कमरा भी हो सकता है। इबादत पे जाने से पहले फंस गया? नहीं नहीं, आप आराम से बता दें। आपकी जिंदगी का बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे। इबादत पे जाने से पहले तो हम साफ सफाई करते हैं जी। मैंने कहा इबादत पे जाने से पहले तो हम साफ सफाई करते हैं, तो नहीं साफ सफाई भी करते, लेकिन इबादत में जाने से पहले खाली साफ सफाई नहीं होती, बल्कि इबादत में जाने से पहले दुआएं भी मांगी जाती हैं। आप दुआएं मांगते हैं इबादत में जाने से पहले? आप अल्लाह माफी नहीं फी बदनी, अल्लाह माफी नहीं फी समी, अल्लाह माफी नहीं, बस यही पढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए किसी जगह पे जाना तो नहीं होता? नहीं उस पॉइंट ऑफ, लेकिन वो इबादत में जाने से पहले जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके बाद दुआएं तो पढ़नी पड़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है। अभी आप आराम से चले, आपके आप यूँ समझ लें कि ये तो आप अभी 5,000 बाकी हैं, 5 सवाल बाकी हैं। अच्छा। यहूदी, यहूदी बहुत इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान भी, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस जगह को। हाँ, और ये सिर्फ इबादत के लिए जगह नहीं है, वैसे भी जगह है या पर्टिकुलरली इसका? देखिए मतलब एक ये जैसे मुसलमान है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह व तूबु इलैह, ये वहाँ पढ़ना पड़ता है। बस अब मैंने आपको बता दिया। मुसलमान कहते हैं वजू की जगह है। अच्छा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँ आप ये क्यों समझ रहे जल्दी आपको। हाँ, आप आराम सोच रहे सोच के सवाल और ला रहा हूँ मैं कि ये मुझे कंफर्म हो। सवाल लाए आप जितने ला रहे, और इस जगह पे जाए बगैर नमाज नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। हो नहीं सकती नमाज, नहीं हो सकती। आप कुरान नहीं पढ़ सकते? आप कुरान नहीं पढ़ सकते। ये जाए वजू है ये जगह? देखिए वजू तो आप वैसे तो खैर आप कहीं भी कर, वैसे भी है, लेकिन एक ये उस जगह का नाम एक खास ही है। वजू तो आप अब यहाँ भी मैं आपको ला सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये होती है कसरत है, वजू तो आप अभी कर सकते हैं। अब जैसे कि चले मैं एक आपको लाइन और बताता हूँ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये भी आप वहाँ पढ़ते हैं। आपका फ्रेंड भी कॉल पर है, अगर आप पूछना चाहते पूछ। हाँ, let's नाम क्या है? हसन जिया। हसन जिया साहब, अच्छा जी जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बल्कि ये वाजिद रियाज साहब। वाजिद रियाज साहब, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे वाजिद रियाज साहब? आमिर लियाकत हुसैन बात करो। कैसे आमिर साहब? अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा वाजिद रियाज साहब, आपके दोस्त जनाब
हमारे आपके सबके बड़े प्यारे सैयद जिब्रान, वो फंस गए। वो असल में फंसे गए कि उन्होंने कहा मुझे मकाम पूछना है। मैंने कहा भाई मकाम मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने इनको बताया कि ये हिंदुओं में भी ये जगह है, मुसलमानों में भी ये जगह है और यहूदियों में भी ये जगह है। मुसलमान अमूमन पढ़ते, ख़ास तौर पर जब वहाँ जाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजलनी मिनत तव्वाबीना व अजलनी मिनल मुतत्ताहिरीन, ये ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये कौन सी जगह है? ये किसी भी इबादत से पहले, कुरान शरीफ पढ़ने से पहले, नमाज से पहले, या मतलब अच्छे काम से पहले तो ये दुआ पढ़ी जाती है वहाँ जा कर, उस मुकाम पे जाके, जिस मुकाम पे जाके पढ़ी जाती है। क्वेश्चन कोई स्वैप नहीं हो सकता जी? क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता? नहीं, क्वेश्चन अब तो चेंज नहीं हो सकता। हमारे हमारे घरों में जो है वो मकाम है, हमारे बाहर भी मकाम है। अच्छा, अब घरों में जो है वो जहन में जाते हैं जी बाथरूम, बाथरूम में तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ा जाता है जी। तो मतलब बाथरूम में तो आप ये वाली दुआ पढ़ नहीं सकते, ये तो आपको अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, उसके बाद आप बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं। और अमूमन बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखा जाता है, ख़ास तौर पर ये बदकिस्मती और बदनसीबी हमारे मुल्क में है। ये फ्लैट्स का जब से सिस्टम हुआ है, अटैच बाथ, अटैच बाथ पहले नहीं होते थे, पहले दालानों में और सहनों में जाके बाथरूम, और वो दूसरी एक चीज़ होती है गुसलखाना, ये अलग अलग होती, गुसलखाना और बाथरूम दोनों अलग अलग होते थे, अब ये एक हो गए। तो इसीलिए बड़े बूढ़े आज भी जो है वो यानी आप जो टॉयलेट और बाथरूम उसको अलग समझते हैं और वो अपनी दीगर वजू वगैरह अलग करते हैं। इबादत का योगी, लेकिन अब इसका कोई खास मकाम मैं देखिए मेरा काम है कंफ्यूज करना। वो कर दिया आपने। हाँ। मैं अच्छा खासा बाथरूम पे जा रहा था, आपने सारा बाथरूम पे भी जा सकते थे, लेकिन आप एग्जैक्ट वो आप उसको सोचे ना, थोड़ा सोचें। चार इशारे बाकी, पूछे ना अपने दोस्त से। हाँ भाई मलिक जी, जी यार ये अपना वजू करने की जगह वो भी घरों में लाइक वो तो नहीं है, वो नहीं है ये ना, जहाँ भी कह रहे हैं बाकी जो मजाक के लोग हैं वो भी जाते हैं इसमें, यहूदी इसमें नहीं लेकिन उनके यहाँ भी, जैसे यहूदी इन्होंने बोला ये जगह होती है और हिंदू उन्होंने बोला मंदिर में जाने से पहले, प्रॉब्ली ये कोई जगह है जहाँ इबादत करने से पहले स्नान करते हैं, स्नान साफ सफाई का कुछ लाइक यू गेट क्लीन। It has to be a place. एक नाम है जो बाथरूम के साथ मिलता है, मिलता है। हमाम तो नहीं हो सकता है? हमाम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ हो सकते हैं हमाम हो सकते हैं, लेकिन आप उसको और अच्छा और हमाम हो सकते। अच्छा, this has got to do just with the cleaning, like you know, not the toilet thing. It has to be. इट्स नॉट टॉयलेट। एक्चुअली जैसे मैं अपनी जाती बात करूं, मैं कभी भी आप टॉयलेट में वजू नहीं करता, क्योंकि वहाँ कमोड रखा हुआ है। मैं जहाँ कमोड होगा या डब्ल्यू सी होगा, मैं वहाँ वजू नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दुआ पढ़नी है और मैं दुआ नहीं पढ़ सकता जहाँ पे कमोड होता, क्योंकि वो इबलीस की जगह है। कुरान में लिखा, मतलब ये हमारे नबी की तालीमात है। एक आप टॉयलेट में जाने से पहले कह रहे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, अल्लाह मैं पना मांगता हूँ खबीस चीज़ों से जो जहाँ मौजूद है, और वहाँ जाके मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूँ, तो गलत बात है। ट्रू, ये हमारे यहाँ गलत हो गया साहब, जब ये सब सिस्टम गलत है। आप आज भी आप मस्जिदों में जाएं तो वहाँ बाथरूम अलग है, वो वजू नहीं होता, वहाँ वजू नहीं होता। सऊदी अरब के अंदर आप नीचे इतने बड़े बड़े बाथरूम, सब बाथरूम वजू अलग हो रहा है, वजू अलग होता है, लेकिन हम उसको वजू खाना नहीं कह सकते, कुछ और कहते हैं, वो बस देखिए सोच रहे पहुंच गया। हम माम आपने कहा इसको थोड़ा सा आसान कर ले, बीच में कहीं है उसके और उसके हाँ। हम माम के दरमियान ये जगह है, ये दोस्त क्या कर रहे हैं हमाम पे तो नहीं चले गए पूछे? हाँ भाई चला तो नहीं हमाम पे।
नहीं मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी जगह है। समझ यार इतनी देर में गूगल कर लेता और ये जगह है कोई चीज नहीं है वरना जगह है लोग जो है वो अच्छा ले और आसान कर देता हूँ। कुछ घरों में आज भी ये अलग अलग है और कुछ घरों में ये अलग अलग नहीं है। फ्लैट्स में तो है ही नहीं। मैं समझ गया अब उसका जिसमें कमोड नहीं होता उसका नाम वहां पर आप गुसलखाना। गुसलखाना यस। थैंक यू मलिक साहब। थैंक यू मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुसल खाना गुसल जो है वो इबादत से पहले किया जाता है और गुसल भी किया जाता है वज़ू भी वहीं किया जाता है और गुसल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। गुसल का तरीक़ा भी लोगों को नहीं पता जिसका मुझे बहुत अफसोस है। हमारे यहाँ आज तक लोगों को गुसल का तरीक़ा नहीं पता। शावर खोला और नहाना शुरू कर दिया ये गलत कर रहे हैं। गुसल का तरीक़ा है पहले दाएँ कंधे पर पानी डालें उसके बाद बाएँ कंधे में पानी डालें फिर सर पे पानी डालें और उसके बाद आप वज़ू पूरा कर लें यह है गुसल। और अगर आपने गुसल जनाबत करना है अब जनाबत क्या है मैं इसकी पूरी वजाहत नहीं करूँगा। गुसल जनाबत अगर आपने करना है तो इसी तरह करें लेकिन पानी मुँह में डाल के घरारा करें खंकारें ज़ोर से आवाज़ आए आपकी यह है सुन्नत तरीक़ा वरना आपका गुसल भी नहीं होता इसको गुसल भी नहीं कहते। तो ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए दीन की कब मर जाए कब पता हमारा तो गुसल किया जाएगा बाद में जब हमें अपने ही गुसल ना आता होगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं नमाज पढ़ो कब्र इसके कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। गुसल खाना आप वहाँ पर आप ये सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। गुसल खाने में आप सब दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर सकते हैं। जहाँ टॉयलेट होगा जहाँ कमोड होगा जहाँ आप गिलाजत करते हैं वहाँ पर आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते। और अगर आप पढ़ लें तो आज से तर्क करते पढ़ लें ये मैं आपको इसी समझा रहा हूँ। उसके लिए आप किचन में चले जाएं वहाँ वज़ू कर लें या जो ये चीज़ें तोड़ते थे उनको लें और उनसे अलग से लेकर लोटा लें वहाँ बैठ के वज़ू कर लें। वज़ू वैसे भी आप कोशिश करें कि कायम रहा करें आपका दो तीन नमाज़ों तक कायम रहे इसलिए आपका गुसल आप कर सकते हैं। तो ये मैं एक तालीम भी हो गई है एक जवाब जी फिर इंदी ब्लैंक दरवाजा जाते जी। अच्छा बाज़ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपनी डैश की खातिर रिश्तों और अखलाकी कदरों तक का लिहाज नहीं करते अपनी जान अपनी शान। बताया अज़र भाई आपको सही बहुत अच्छा बहुत अच्छा अपनी शान के खातिर यही बात है। असल में क्या है जो अपने लिए जीते हैं सही कह रहे हैं जिब्रान भाई जो लोग अपने लिए जीते हैं वो उनकी झूठी शान होती है क्योंकि वो दूसरों के लिए जीते ही जो दूसरों के लिए जीता है वो अपनी शान को खातिर ही मिला वो दूसरों के एहसास के लिए जीता है। तो शान की खातिर रिश्ते और अखलाक की कदरों तक का लिहाज नहीं करते। जवाब दुरुस्त। हर शख्स के अंदर एक डरावना इंसान छुपा होता है जो उसके डैश में नजर आता है शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड जो या बिल्कुल जो मतलब उसके डैश में नजर आता है और वो शनाख्ती कार्ड। मैंने अभी कुछ दिन पहले जरदारी साहब को शनाख्ती कार्ड देखा था जी आगे आ जाते। आजकल लोग वफादार कम और डैश ज्यादा हो गए फनकार अदाकार अच्छा है। बहुत अच्छे बना रहे हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं फनकार ज्यादा हो गए आजकल लोग फनकार बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि हर चीज आ गई है उनको जो बात करें उन्हें पता होगा जो सवाल आप कर ले भाई कोरोना कैसे हो रहा है यार ये गर्मी में हो रहा है भाई भाई गर्मी से नहीं हो रहा आइए 4G जब से आया 5G उससे हो गया ये 5G सब पता है उनको सब कुछ पता है। तो फनकार ज्यादा हो गए जवाब दोस्त। देश की बड़ा जबरदस्त जवाब सवाल है देश की कदर और कीमत और अहमियत का अंदाजा तो गर्मियों के मौसम ही में होता है बर्फ या बर्फ। वाह वाह भाई क्या सवाल है सोचना पड़ेगा इसमें आपको काफी
जैसे इन अ बिगर पिक्चर आई विल से बर्क, क्योंकि बर्क ना हो तो फिर नहीं। अगर आप जवाब तो आपने सही दिया, लेकिन अगर आप इसकी जुमले की कंस्ट्रक्शन पे देखें जी जी, तो कंस्ट्रक्शन में कदर कीमत है। बर्फ तो सस्ती होती है, मिल जाएगी, लेकिन बिजली की कीमत भी बड़ी महंगी है। एग्जैक्टली तो इसकी कदर भी और कीमत, जब कीमत से आप आएंगे तो बर्फ इज द राइट आंसर। ये कैसे मुमकिन है कि डैश का असर इंसान की तबीयत पर ना हो, सोबत या मोहब्बत? ऐसे तो दोनों ही हैं, लेकिन लेकिन हम सोबत कहेंगे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मैं मतलब आपकी जहानत का कायल हूँ, मतलब कि बहुत आप बहुत बारीक बीनी के साथ जवाब दे रहे हैं। सोबत का असर इंसान की तबीयत पर होता है, मोहब्बत का तबीयत पर नहीं होता, कहीं और होता है। आप सारी बातें ना बता के भी बता यार, ये अच्छा है। आप हाजिर होते जीवे पाकिस्तान। जी मैं पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, और अब हमारे पास उर्दू नामा है और उर्दू नामे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और उर्दू नामा ये है, सप्लाई को उर्दू में क्या कहते हैं? सॉरी, सप्लाई, सप्लाई जैसे ड्रग सप्लाई होती है उर्दू नाम से। पहुंचाना यार एक खास वर्ड है। हाँ बिल्कुल, पहुंचाना, पहुंचाना, पहुंचाना को भी आप कह सकते हैं, क्यों पहुंचाना, सप्लाई, पहुंचाना, ये बैग लिया उधर से उधर पहुंचा, फराहमी, फराहमी, यस, बट यू आर राइट। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं, रमजान ट्रांसमिशन। इट इज नशरियात, ट्रांसमिशन नशरियात तो ट्रांसमिट जो होगा ना वो मुंतकिल होगा, ट्रांसमिशन तो नशरियात ही होगा, इसलिए कि जो ट्रांसमिशन होती है वो नशर होती है, ट्रांसमिट जो होता है वो मुंतकिल होता है, तो मुंतकिल जो चीज़ होगी वो तो आप ट्रांसमिट कर देंगे, या जैसे ट्रांसफ़र होता है वो भेजना होता है, ट्रांसमिट मुंतकिल होता है या इरसाल करना होता है, लेकिन ट्रांसमिशन नशरियात होती है। स्लैंग, 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 स्लैंग को उर्दू में, अच्छा एक इसका मतलब ये, मैं वो निकाल देता हूँ, एक मतलब होता है स्लैंग का जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, बाजारी जबान, तो बाजारी जबान हम नहीं कहेंगे, आपने इस बाजारी को हटा के बताना है। आवारा, आवारा जबान, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आज आवारा नहीं, आवारा नहीं है, स्लैंग, फंस गया, स्लैंग, अवामी भी नहीं होगा, अवामी होगा, अवामी, अवामी समाज, वेरी गुड। बेडरूम, अच्छा बेडरूम की जो है वो मतलब ये कि मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इसका जो तर्जुमा है, क्योंकि जो बेडरूम में जो तर्जुमा किया वहाँ वो चीज़ आती नहीं। हाँ आरामगाह तो नहीं है, नहीं आरामगाह ही कहना चाहिए उसे, कहना आरामगाह चाहिए, हाँ। लेकिन उसको कहते हैं ख्वाबगाह, अच्छा बेडरूम में जाके किसको ख्वाब आता है। चलिए अब आ जाते हैं मीटर, 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 मीटर में पहला लफ्ज आला है, अब आला तो बड़े और भी चीजें हैं आला,
आलय आलय है आलय हर आदमी गलत ही सोचता है भाई आलय सयाद भी हो सकता है आलय गर्दिश भी हो सकता है नहीं पकड़ा ही दूंगा ऐसे तुक्का मारता हूँ मारे आलय शुमार आलय शुमार आलय पैमाइश कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल कस्टर्ड एप्पल एक फ्रूट है और वैसे तो इसको खाया जाता है लेकिन जो इसका तर्जुमा है वो पाकिस्तान खा गए वो पाकिस्तान पाकिस्तान खा गए वो कस्टर्ड एप्पल का जो तर्जुमा है वो पाकिस्तान खा गए लेकिन हमें कस्टर्ड एप्पल खाना पड़ता है वो जो लोग जो भी थे वो खा गए शरीफा शरीफा देखिए ना सर कुछ लोग की शनाख्त कितनी अच्छी होगी आप बता दीजिए हाँ अच्छा जी आप जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाइए प्रैंक प्रैंक यस प्रैंक आ जाइए ये दी जाती है ये दी भी जाती है और ली भी जाती है देने और लेने दोनों का काम है अच्छा घर के बड़े अक्सर दे देते छोटे ले लेते एडवाइस 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 कितने गलत समझते ना आप कितनी बुरी बात आज ये आजकल बहुत लगाया जा रहा है हाँ जी सैनिटाइजर सैनिटाइजर यस आगे दिखाए ओ ये अगर हॉट हो तो क्या बात चॉकलेट चॉकलेट वैस आ जाइए हाँ वार्डरोब वार्डरोब भाई वाह भाई वाह भाई वाह चले जी गेस द सेलिब्रिटी यस जी बस इतना सा इतना सा है लेकिन ये बड़ा बहुत है ये नजर आपको इतना सा आ रहा है ये कायनात के बड़े मुंह में से एक मुंह है ये चाहे तो झुककर अपने पेट पे प्यार कर सकते कमाल के आदमी है अच्छे इंसान है मगर इनको हमेशा जो है ना वो सख्त किरदार अदा करना चाहिए करने चाहिए करने चाहिए क्योंकि ये शक्ल से बिल्कुल भी नर्म आदमी नहीं लगते है नर्म बहुत बड़े नर्म इंसान है लेकिन मैं इनके लिए आगा ली यस ये प्यार कर सकते हैं आगे चल ये आंखें शरारती है बहुत ही नटखट चुलबुली हमारे शो में आ चुकी है हमारे ईद शो में आई है मेरी ख्वाहरे निस्पति का नाम भी यही है मतलब मेरी जो तूबा की जो बहन उनका नाम भी ये है उससे भी बड़ा मुझे प्यार है अगर तुम देख रही हो तो मुझे तुमसे बहुत प्यार है आई लव यू आप बताएं नादिया खान नादिया खान नादिया खान
एंड मैं नादिया ताबिश की बात कर रहा था. नादिया कैसी हो तुम? और ताबिश को भी बहुत बहुत प्यार. चलिए जी अब आ जाए अगला. ओह ये तो आंखें मतलब यूं समझ लें कि अपनी आईब्रोज और अपने गहरेपन से ये बहुत पहचानी जाती हैं. मैं इस्लामाबाद की तो नहीं है. नहीं ये इस्लामाबाद की भी थी, कराची की भी है, लाहौर की भी है. अब जर्मनी में. जर्मनी में? जर्मनी में इनकी बेटी है, इनका शौहर सादिया इमाम. सादिया इमाम. और अब आ जाते हैं हुमायूं सईद. ने इनके साथ काम शुरू किया था, सोचें आप. मतलब आप सोचें हुमायूं भी कितना पुराना आदमी हो गया. मतलब अगर आप सब सादिया ने काम करना छोड़ दिया, वो कर रहा है. अच्छा मैं इनको नहीं जानता, लेकिन आंखें देख के दिल चाहते हैं मिलूं. हाँ हाँ मिलने में क्या अर्ज है? इनकी तरह थोड़ी शरीफ आदमी हूँ मैं, मिलूंगा मैं. मतलब कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो, हमसे मिला करो. मैं ये सोच के डर रहा हूँ कि अगर मैंने आंखें देख के गेस कर दिया हाँ. तो घर जाके वो सवाल करेगी कि तुम बड़ी आंखें देख के बता देते थे. मत कर. ये सायरा है. ये सायरा है. सायरा यूसुफ. हालांकि मुझे पता चल गया था. पता चल गया था ना. बड़ी प्यारी खातून है. अल्लाह ताला इनको खुश रखे, खुश खुर्रम रखे. मैं मेरी दुआएं इनके साथ हैं. और नाजिन हम एक उर्दू नामे की तरफ भी चल पड़े. जम्बल वर्ज भी हमने कर लिया. ये जम्बल वर्ज ये सारे काम हो गए तो अब तो कुछ भी नहीं बचा. अब तो ब्रेक करनी पड़ेगी. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. जीवे पाकिस्तान. जी मैं पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. और हमारे साथ जिब्रान बैठे हुए हैं, मौजूद हैं. और अब हम चलते हैं महाभारत कहानी की तरफ. महाभारत कहानी में ये होता है कि हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे. तस्वीर दिखाकर आपसे पूछेंगे महाभारत क्या है. और महाभारत आपको बताना होगा कि महाभारत ये है. इसके लिए हाँ आपके पास तीन तस्वीरें होंगी. तीन तस्वीरों में होगा एक छुपा हुआ महाभारत. महावरे को आपने बताना है कि महावरा क्या है. महावरे को बताने के लिए आपको तीनों तस्वीरों को और से देखना होगा. जैसे कि अभी ये आ गई है. नमस्कार मेरे भाई. चट मंगनी पट ब्याह. चट मंगनी पट ब्याह. चट मंगनी पट ब्याह. चार हो गई. मैं चार हो गई. पांच भी नहीं करना. एक को तलाक देनी पड़ेगी. चार से ज्यादा नहीं हो सकता. गलत बात, बुरी बात. हाँ क्योंकि अब जैसे चटमंगनी पटब्या हो गया तो फिर क्या हो गया. ये मिसाल के तौर पर आपकी चटमंगनी पट ब्याह हो गया. अब तो खैर आपका हो चुका, छोड़ दें. लेकिन मिसाल तौर पर किसी से हो गया तो किसी को ये होगा. जले पे नमक छिड़क. हाय 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 जले पे नमक छिड़क. जले पे नमक. हाँ बख्शा है. बख्शा है पीर जी ने अकीदत का ये सिला. लड़की भगा के ले गए अपने मुरीद की. तो इसी में जले पे नमक छिड़क. हाँ जी सुनाए दिखाए. आए हाय हाय दूर के ढोल सुहाने. दूर के ढोल सुहाने. दूर के ढोल सुहाने. करीब आते तो कान फट जाते हैं. जी ये खोदा पहाड़ निकला चूहा. ये 2018 का जिक्र है जी. हाँ जी हाँ
मैंने कुछ नहीं कहा। 2018 का एक वाक्य है, 2018 में यही हुआ था बस, ये उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं पता। चले भाई अब आ जाते हैं ट्रूथ एंड लाइन। अच्छा ट्रूथ एंड लाइन में होते कि हम तीनों आपको जवाब सही देते हैं, उसमें एक गलत होता है, उसमें एक सही होता है, दो गलत होते हैं। तीन जवाब हम आपको देंगे, पहले हम गा के बताते हैं, गाते हम वो बताते हैं, क्योंकि अगले हम गा नहीं सकते, उसकी वजह कितने लंबे लंबे देते हैं, गा नहीं सकते, छोटे 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 से हम गा देते। इकड़े का दिल के दिमाग में, उसके दिमाग में होता है, होता है कि झींगे का, झींगे का दिल, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में होता है, होता है बोलो दिल, कहाँ होता है, कहाँ होता है, बोलो। वाह वाह, केकड़ा झींगा, मुझे लगता है ये वेल वाला गलत है। हाँ वेल वाला गलत है, सही है, वेल वाला गलत है, गलत है। हाँ नहीं सही क्या, केकड़ा भी नहीं, आई थिंक झींगे दो गलत, झींगे का यस, ओके यस, झींगे का दिल उसके दिमाग में होता है, इसीलिए हम लोग दिमाग छोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, दिमाग अलग कर देते हैं हम लोग, दिमाग चाहते ही नहीं क्यों, इसलिए हम लोग जब झींगा खाते हैं तो उसका वो दिमाग वाले अच्छा लगता है जिसमें दो आँखें नजर आ रही होती है, हम निकालते हैं। अच्छा दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क इंडिया का है, ये तो पहले झूठ होगा यार, तो छोड़ ही दो, इंडिया की तो तारीफ क्या होनी चाहिए, जो जो भी इंडिया की तारीफ करेगा वो अदनान सभी बन जाए, चलो जहाँ जाओ। दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान का है, दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चीन का है, पाकिस्तान का ईदी सर, ईदी छीपा, यानी यहाँ हादसा कम होता है एम्बुलेंस से, इतनी सारी जाए इतना बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान इसीलिए तो पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान में शायद सरकारी सतह पर इतना काम नहीं किया जाता, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम एनजीओस को, आमन वालों को, ईदी वालों को, छीपा भाई को, और जितने दीगर इदारे काम कर रहे हैं उन सबको, आप लोग जिस तरह हादसात के मौके पर अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुंचते हैं, मैं आपके लिए तालियां नहीं बजाऊंगा। चमगादड़ वो परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, चील वो परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उल्लू वो परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, चमगादड़ का ये बच्चों को अपने तो पता नहीं, हमें कुछ और पिला गए। हाँ देखिए क्या पिला, अल्लाह माफ करे, चमगादड़ों का सूप पी पी के ये देखिए हमें कोरोना पिला गया, तो चमगादड़ हुआ, चमगादड़ दूध पिला, चमगादड़ इज़ अ मैमल, एक्चुअली चमगादड़ एक मैमल है, जैसे व्हेल मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, डॉल्फिन भी बच्चे देती है, वेल भी बच्चे देती है, अंडे नहीं देते, चमगादड़ भी अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं, मैमल है। जवाब दुरुस्त। एक आम इंसान का दिल एक दिन में 50,000 मरतबा धड़कता है,
एक आम इंसान का दिल एक दिन में 70,000 मरतबा धड़कता है और एक आम इंसान का दिल एक दिन में 1,00,000 मरतबा धड़कता है। कि एक मिनट में ये मेडिसिन से ज़्यादा मैथ्स का सवाल है, एक मिनट में 72 बार नॉर्मल धड़कता है। हाँ, अब मल्टीप्लाई करना है सर, 1,00,000 हो जाए, 1,00,000 होता है, 1,00,000 तो 1,00,000 होता है। राइट आंसर। चले जी, हमारी एक ट्रेन है वो है जीवे पाकिस्तान जी, और वो चलती है। अब वैसे मैं पहले दिन तो बहुत खुश हुआ था, उसके बाद नहीं होता खुश, उसके आगे के दो पहिए जीव से और फिर उसके बाद वो जल्दी से स्टेशन में लाहौर निकलती है तो हम इधर मुड़ के इधर देखते हैं, वो पहुंच जाती है पेशावर। और ये अच्छा आपकी ट्रेन पहुंच तो जाती है? पहुंच जाती है सर, लेकिन पहिए आगे के छोटे, खतरा टकराने का रहेगा। शेख साहब की बनाई हुई ट्रेन है तो ये आप देखें, और अजीब अजीब लोग बैठे हुए इसमें, आप देखें इंजन में देखो दो कैसे लोग बैठे हुए, और तीन जो बैठे पीछे उसमें चश्मा लगा के खाते बैठे, अगला हंस रहा है कि आगे हम बचेंगे ही नहीं। तो भाई चलाए, ट्रेन चलाए, ये देखो एकदम पहुंच गए। कौन है? अताउल्लाह साहब। इनका किस सूबे से ताल्लुक? मियाँ वाली, पंजाब। पंजाब, ओके गुड, वेरी गुड। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली, नी सोने फुलावारी, कमीज तेरी काली, नी सोने फुलावारी, पावे बसे तू करे हुण करे नी रे, पावे बसे तू करे हुण करे नी रे, तैनु लैके जाना वे मियां वाली, कमीज तेरी काली, नी सोने फुलावारी। अच्छा जी, अब दिखाएं आगे बढ़ाए थे। नाउ इज अ टेस्ट क्रिकेटर, आज ये टेस्ट टीम में शामिल हुए। सिंध, सिंध एंड द वन एंड ओनली माय लव, सरफराज अहमद। आगे चले, खड्डी कबाब। अच्छा, इसको खुड्डी कबाब भी कहते हैं क्योंकि ये खुड्डी जैसा बना हुआ होता है, वैसे खड्डी कबाब कहलाते सरहद पंजाब। मुझे तो बलूचिस्तान लग रहा है। बलूचिस्तान, कोयटा। ऐ मलाला, ये हमारी जवान प्यारी बेटी, जिसने जवान इसलिए कहता हूँ कि इस जवान ने गोली भी खाई और उसके बाद इसने तालीम भी जारी रखी। मलाला, तुम्हें याद है तुम छोटी थी और तुम्हारे लिए पहला प्रोग्राम तुम्हारे आमिर भाई ने किया था, आमिर अंकल ने किया था। तुम आज भी मुझे बहुत मोहब्बत करती हो, बहुत प्यार करती हो, ख़ास तौर पर तुम्हारे वालिद, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम, ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब को। और जिस तरह तुमने मुकाबला किया है और जिस तरह तुम तालीम हासिल कर रही हो, मलाला आई लव यू। के पी के, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे गाने, तू बीबी शीरी आगे नहीं गा। एक्चुअली जो म्यूजिक है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जबरदस्त, आप निकलोगे तो पता चलेगा। किस्सा ख्वानी बाजार में बैठो कभी, कभी गए हो? पेशावर में एक है किस्सा ख्वानी बाजार, वो क्यों है पता आपको क्यों? 1857 से पहले उस जगह पर किस्से सुनाए जाते थे और बाकायदा वह बुजुर्ग बैठ के पुराने पुराने किस्से सुनाते थे, पाले खान के, इसके जो लड़ाइयाँ लड़े थे अंग्रेज़ों से। पठानों ने अंग्रेज़ों को नेस्तो नाबूद किया है, कभी भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुका पठान, आज भी अफगानिस्तान में देखो क्या हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं पख्तूनों की रिवायात को समझें
बड़े बड़े गाने उनके क्या, खुशहाल खान खटक जैसे शायर में पैदा हुए। चले जी अब आ जाते सेंसेशन मोमेंट। आइए जी सेंसेशन मोमेंट यहाँ आ जाइए। ये एक रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आपसे सवाल हूँ और आप जवाब देना, ठीक है ना। मॉडलिंग एक्टिंग रावलपिंडी कराची मुरछोले पुलाव राजा कर दिया मेरा मोहसिन सज्जन अली रुबाब हाशिम सज्जन बारबेक्यू फास्ट फूड भाई मुश्किल काम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जिब्रान साहब का, और जहाँ जिब्रान साहब तशरीफ़ लाए वहाँ मैं खलील जिब्रान का कॉल कहना चाहूँगा इनके लिए, और वो ये कि अंधेरों से मत घबराओ, सितारे तो अंधेरों में ही चमकते हैं। खलील जिब्रान ने ये अपनी किताब पागल में लिखा है, और उसमें उसने इसे लिखा कि खलील जिब्रान की बहुत सारी किताबें, और उसे लिखा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा हो गया था। अंधेरा ये कि उसको कैद में भी डाल दिया था, उसको जहर देने की कोशिश भी की, तो उसने कहा कि नहीं मत घबराओ, सितारे अंधेरों में, मैं सितारा हूँ, मुझे अगर मौत भी आ जाएगी तो मैं अंधेरे में चमकूँगा। मैं सैयद जिब्रान साहब से कहूँगा कि आप खलील नहीं हैं, जिब्रान हैं, और उससे पहले आप सैयद हैं। सैयदों को किस बात का डर, सैयद तो एक ऐसा घराना और एक ऐसा सिलसिला है कि अगर उसके साथ जिब्रान हो जाए तो फिर तो आप कामयाबियों की मंजिल पर रवा जवा हैं। अहले सादात का बड़ा इत्राम है और अहले सादात से बड़ी मोहब्बत की जाती है। सैयद जिब्रान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया, हमसे बातें की, और मैंने जब इनसे गुफ्तगू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हंसमुख तो बहुत है लेकिन इनको हंसाना पड़ता है, और इनको हंसाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जिसको मेहनत करनी पड़ती है वही मोहब्बत करने वाला होता है। तो ये मुझे आज मैं इनसे मिलकर बहुत खुश हूँ, और मैं चाहूँगा इनके साथ काम भी करूँ, और भी काम हम साथ मिलकर भी करें। एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनका साया आप पर ता दे, सलामत रखिए। सेंसेशन का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, और ये कोशिश कीजिएगा कि बाहर आपसे कोई ले ना ले, ठीक है। ये तस्वीर खिंचवाने साथ सही पर आज की तस्वीर खींचे। अब ये मैंने नया तरीका शुरू किया है, क्योंकि उसकी वजह यह कि हम जब के बंद करते हैं तो यानी लाइटें बंद कर देते हैं, फिर वो लाइटें खुलवाते हैं, फिर दोबारा करवाते हैं, तो आप ये साथ ही कर लेंगे, ठीक है ना। और आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए, अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। नारा लगा दे जीवे पाकिस्तान।